दिलीप कुमार साहब, 7 तारीख को दिलीप कुमार साहब ने हम सबका साथ छोड़ दिया। 7 तारीख को पंचतत्व में वो विलीन हो गए। बट क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दिलीप कुमार साहब ने 2012 में एक ऐसा इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस बड़े शॉकिंग खुलासे को बोला था कि हमें जो है इस बात का कोई भी ज्यादा इल्म नहीं है कि हमारी संतान नहीं हुई। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दिलीप कुमार साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अपने जिंदगी के काफी ज्यादा ऋतुएं देखी, मतलब कि बहुत सारे बसंत देखे। दिलीप कुमार साहब की शादी सायरा बानू के साथ होती है। दिलीप कुमार 44 के थे और सायरा जो है वो 22 की थी। ठीक 22 साल का गैप है उनके बीच में। ऐसे में उनके अगर बात की जाए दोस्तों तो उनकी शादी जो है उनकी शादी तो हुई लेकिन उनके कोई भी औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताना चाहता हूं दोस्तों कि 1966 में जब उनकी शादी हुई थी उसके बाद 2012 में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा था कि अच्छा होता अगर हमारे बच्चे होते हैं लेकिन नहीं है तो हमें इस बात का कोई भी इल्म नहीं है, गम नहीं है। जीवन में संतुष्टि को लेकर न मैंने और ना ही सायरा ने कभी शिकायत की। कभी हमने अकेलापन महसूस नहीं किया। परिवार के लोग और रिश्तेदार हम दोनों से ही जुड़े रहे। हमारे लिए यही बहुत है। हमारा परिवार साथ है और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरा परिवार बड़ा है, कई नाती पोते हैं, वो भी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई सुल्तान के बच्चे और नाती पोते हैं। हम खुशनसीब हैं कि उनके लिए हम हैं और वो हमारे लिए हैं। तो दोस्तों आपको हाँ, तो फिर दोस्तों ऐसे में आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। वैसे उनके दत्तक पुत्र की बात करें तो वो तो दत्तक पुत्र के मुंह बोले बेटे शाहरुख खान हैं ही दोस्तों। चलता हूँ।